सिविल इंजीनियर के किसान बनने की चर्चा इन दिनों हजारीबाग के कई गांव में है। बीआईटी मिश्रा से सिविल इंजीनियर की पढ़ाई कर देश के ख्याति प्राप्त फार्मूला वन और यमुना एक्सप्रेसवे में 14 साल काम करने वाले इंजीनियर अमरनाथ दास इन दिनों पॉली हाउस बनाकर किसानों की आमदनी बढ़ाने में लगे हैं। इससे क्या होता है, क्या है कि फार्मर्स को बहुत ज्यादा बेनिफिट होती है। वो हमें सीड्स देते हैं और हम उनके लिए सीडलिंग्स बना के देते हैं, जहां पर उनका सीड्स का सेविंग होता है और टाइम का भी सेविंग होता है। अपने काम के दौरान उन्होंने हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के किसानों की उन्नत तकनीक से खेती करने के तरीकों को सीखा और फिर इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़ गांव में पॉली हाउस बनाकर अपने सपने को अंजाम दिया। हमारे यहां से लोग बहुत ज्यादा पलायन करते हैं, दूसरे बड़े बड़े शहरों में जाते हैं काम करने के लिए, मगर उससे क्या होता क्या है कि वो जाते हैं और सिर्फ दिनचर्या का काट के आते हैं, लेकिन उनको ज्यादा पैसे कमा नहीं पाते हैं। जिले के कानी मुंडवार गाँव में ये पॉली हाउस है, जहाँ 2 लाख से 4 लाख पौधे हर महीने तैयार होते हैं, जिसका किसान फायदा उठाते हैं। इधर किसान रोहित बताते हैं कि पहले उन लोगों को पौधा प्राप्त करने में काफी मशक्कत होता था, लेकिन अब पॉली हाउस से तैयार पौधा किसानों के लिए वरदान बन रहा है। बिछड़ा करने के बाद 95% जनरेशन होता है, उसमें पौधा स्वस्थ रहता है, लगाने के बाद पौधा किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, एक एक लेवल में वो पौधा तैयार होता, बढ़ता भी है। इलाके के मुखिया अरुण कुमार यादव बताते हैं कि सिविल इंजीनियर अमरनाथ दास पॉली हाउस में पौधा निर्माण कर न केवल किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बना रहे हैं, बल्कि उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त कर बेरोजगार रहने वाले युवा युवतियों के लिए प्रेरणा का काम भी किया है। जिनको जितना पौधा चाहिए उनको अब उपलब्ध हो जाएगा। पहले पौधे के लिए इधर उधर जाना पड़ता था, सही पौधा नहीं मिल पाता था, कि इस तरह का कार्य अगर किया जाएगा तो युवा लोग इस दिशा में भी आएंगे और हमारी ओर जो जहां उपलब्धता नहीं है, नौकरी की बहुत कमी हो गई है, एक रोजगार का बहुत सुंदर और बहुत अच्छा साधन मिल रहा है। इस तरह के प्रयासों से निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान को काफी बल मिलेगा।